चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ये सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा, मास प्रवेश और दिन प्रवेश, है ना। सूर्य का 360 डिग्री का यानी कि एक साल का, तो आप लोग क्या बोलते हो, वर्ष प्रवेश। फिर उसी सूर्य का एक महीने का यानी कि 30 डिग्री, क्योंकि वो एक राशि में 30 डिग्री चलता है और एक राशि वो हर महीने बदलता है, एक महीने में पूरे 30 दिन में, तो वो क्या हो जाएगा, 1 मंथ यानी कि मास प्रवेश। करेक्ट, मास प्रवेश और दिन प्रवेश को रीड करने का तरीका एक ही है, प्रिडिक्शन करने का तरीका एक ही है, मगर मास प्रवेश बताएगा कि ये महीना कैसे जाएगा, दिन प्रवेश बताएगा कि ये दिन कैसे जाएगा। अभी सन 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 डे इक्वल्स टू दिन प्रवेश। अभी हर किसी के लिए दिन प्रवेश, मास प्रवेश और वर्ष फल की कुंडली अलग अलग होती है। वो कैसे, आपका मान लो जैसे ही वर्ष प्रवेश होता है तो उस वर्ष प्रवेश होते ही सन का जो भी लॉन्गिट्यूड रहा जिस साइन में, अगले साइन में वही लॉन्गिट्यूड आने पर एक महीना जो पूरा होगा वो वाला आपका पूरा मास प्रवेश कहलाएगा। तो उस मास प्रवेश पे जो आपकी कुंडली निकलेगी वो वाली कुंडली आपकी मास प्रवेश कहलाएगी। 1 मिनट। ठीक है, तो मास प्रवेश दिन प्रवेश भी आप लोगों को हॉरोस्कोप एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा और उसमें तो है ही। ठीक है, तो इसका भी मैथमेटिकल प्रोसेस है जो कि इतना इजी नहीं होता। लॉन्गिट्यूड लेना पड़ता है सन का, एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और सन जो मास प्रवेश के टाइम पर जो उसका लॉन्गिट्यूड था उसको मसरका भी बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एस मसरका। एंड नहीं, सन का प्रवेश को, दिन मास में प्रवेश को मसरका बोलते हैं, और उस समय के लॉन्गिट्यूड को पत्यंकर भी बोलते हैं। मैं लिख के बताती हूँ, पंतेर का। ठीक है, सो दिस इज पंतेर का एंड मसर का ये बोला जाता है। ये नाम कहीं पर भी आप पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि ये नाम एनुअल में, एनुअल हॉरोस्कोप में यूज होते हैं, अननोन नाम नहीं लगने चाहिए, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो मसर का और पंतरका को मिला करके ही मास प्रवेश एग्जैक्ट कुंडली निकलता है। तो ये ऑलरेडी एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स में किया हुआ आपको मिलेगा, आपको सीखना है एनालाइज करना। अभी सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो यहाँ पर होंगे वो इम्पोर्टेंट प्लैनेट कौन से होंगे, मास का मुंथेश जो होगा वो, मास की भी मुंथा होगी, एक मास की मुंथा। अभी एक साल में मुंथा एक साइन को बदलती है। ठीक है, देखो 1 ईयर में मुंथा चलती है 1 साइन, तो 12 मंथ्स में मुंथा चल रही है 30 डिग्री, बरोबर। तो 1 मंथ में मुंथा कितना चलेगी, 2 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है,
अभी और दूसरा इम्पोर्टेंट प्लैनेट जो यहाँ पर है, पांच प्रकार के बल को निकाल करके, पांच प्रकार के बल को निकाल करके आप एक वर्षेश बनाते थे, वर्षेश्वर, जो कि इजीली मिल रहा है आपको, साल का लॉर्ड, साल का लॉर्ड। लेकिन अभी मंथ का लॉर्ड जो बनेगा उसे क्या बोलोगे? मासेश। तो यहां पर मासेश, यहाँ का मास, मास की मुंथा का मुंथेश, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। यहाँ का, यहाँ पर आपका वर्ष प्रवेश का लग्नेश, वो भी इंपॉर्टेंट होगा। अभी प्रिडिक्शन कैसे करेंगे वो बताती हूँ, तब तक आप इसको देखिए, को नोट करो तो नोट करो, फिर मैं इसको डिलीट करूंगी। बहुत ही मजेदार तरीका है प्रिडिक्ट करने का, आप लोग समझने की कोशिश करना अच्छी तरीके से। चंद्रमा का तो यहाँ पर महत्व है ही, देखो चंद्रमा हमारा मन है, फिर से बोल रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चंद्रमा ही है, मून ही है, मून और हम एक ही बात है, बाद में आता है लग्न। जितनी भी प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की ट्रेडिशनल बुक्स हैं, ओल्ड बुक्स हैं, सब में मन को लग्न से ऊपर महत्वता दी गई है। मन स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है, मन ही ग्रह है, ग्रह ही मन में ही इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, तो मून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मून का पोजीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मून का 6-8-12 में चले जाना मंथ प्रवेश चार्ट में, मंथ मास प्रवेश चार्ट में, मून पर मास प्रवेश चार्ट में किसी की भी शत्रु दृष्टि पड़ना, मून किसी भी प्रकार से एफ्लिक्टेड नहीं होनी चाहिए मास प्रवेश चार्ट में। अगर ऐसा है तो पूरा महीना आपका डर वाला, भय में, दुश्मनी में, बीमारी में निकल सकता है, डर में निकलता है, घबराहट में निकलता है वो महीना, ठीक है? तो इसको अभी हटाएंगे। ये आपका मास प्रवेश का छोटा सा इंट्रोडक्शन, वेरी लिटिल। अभी प्रेडिक्शन पॉइंट्स को देखो ध्यान से। प्रेडिक्शन पॉइंट नंबर वन, किसी भी भाव का, किसी भी भाव का स्वामी मास प्रवेश कुंडली में अगर डेबिलिटेटेड यानी कि नीच का, अस्त या तो वक्री रेट्रोग्रेड, कंबस्टेड, डेबिलिटेटेड, डेबिलिटेटेड या तो फिर रेट्रोग्रेड हुआ, तो दिस विल गिव ओपोजिट रिजल्ट्स, एडवर्स रिजल्ट्स, नॉट गुड रिजल्ट्स। दिस विल ओपोजिट रिजल्ट्स रिगार्डिंग दी पर्टिकुलर भाव। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे सेवेंथ हाउस देखना है। सेवेंथ हाउस इज फॉर हैप्पीनेस, मैरिज लाइफ, डेटिंग
डेली वेजेस, पार्टनर एंड मोर। तो सेवेंथ हाउस का लॉर्ड आपका अस्त है, तो भी आप कोई भी, अगर आप चिंतित हो इस महीने कि आपका बहुत बड़ा झगड़ा ना हो जाए, या तो इस महीने आप अपने पार्टनर के साथ शुरू करने जा रहे हो अपना ऑफिस, या कोई भी छोटा सा ही बिजनेस क्यों ना हो, आपकी दुकान ही क्यों ना खोलने जा रहे हो आप, छोटी सी कपड़े की, ठीक है, या फिर आज के दिन का या इस महीने का अपने फियांसे के साथ घूमने का प्लान बनाया है दूर का, ठीक है, या तो फिर काम में कहीं पर देखना है कुछ, ठीक है, तो सेवेंथ हाउस की रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, तो ऐसे में क्या होगा, अगर इस सेवेंथ हाउस का प्लैनेट मास प्रवेश चार्ट में अस्त दिख रहा है, तो इन चीजों के रिगार्डिंग कुछ रिजल्ट ही नहीं दिखेंगे आपका, अगर कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो। और अगर वक्री दिख रहा है तो जो चाहेंगे वैसा ऑपोजिट दिखेगा, और अगर नीच का दिख रहा है तो सूप तभी भी उल्टा ही रहेगा, रोना धोना पार्टनर के साथ, और फिर बिजनेस पार्टनरशिप में तो कुछ शुरुआत ये महीने नहीं करनी चाहिए, और खुशियों में कमी, ये हैप्पीनेस, जनरल हैप्पीनेस का भी भाव है, खुशी वाला कोई भी काम आपका पूरा नहीं होगा, खुश नहीं जाएगा ये वाला महीना, तो इस तरह से आपको इसको देखना चाहिए। तो किसी भी भाव का स्वामी नीच अवस्था में, अस्थ अवस्था में, वक्री अवस्था में 6, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, मास प्रवेश चार्ट में। पॉइंट नंबर 2, स्क्रिबिंग करो, ध्यान दो, पढ़ो। If in mass प्रवेश chart, lords of 6, 8, 12 are weak, यानी कि अस्त पड़े हैं, है ना, 6, 8, 12 में ही पड़े हैं, है ना, और 6, 8, 12 में ही पड़े हैं ये वाले स्वामी, और अस्त पड़े हैं, और पंचवर्गीय बल में इनमें से कोई भी बलवान भी नहीं है, ठीक है, नहीं पंचवर्गीय बल को स्किप कर दो, सिर्फ अस्त पड़ा हुआ है या फिर 6, 8, 12 में ही है, तो ऐसे समय में तो ना दिक्कत परेशानी, रोग ऋण शत्रु, दिक्कत परेशानियां, खर्चे वर्चे, बीमारियां सब आपसे दूर रहेंगे, तो ये महीना आपका अच्छा जाएगा, चीजों के रिगार्डिंग आपको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, गेटिंगे। थर्ड पॉइंट है, अच्छे से देखें, अभी मैं फिर से बताऊंगी, इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है, मास लग्नेश पहला इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वर्षेश दूसरा इंपॉर्टेंट प्लैनेट, वर्षफल चार्ट का जो वर्षेश है वो वाला, मास मुंथेश, वर्ष लग्नेश,
ये चार प्लेनेट वर्षेश और वर्ष लग्नेश, मास मुंथेश और मास लग्नेश, करेक्ट, चार इंपॉर्टेंट प्लेनेट। दीज प्लेनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मास प्रवेश चार्ट, हेंस देयर पोजिशन नीड टू बी वेरी गुड इन योर मास प्रवेश चार्ट, सिंपल। बट छोटा छोटा ये हिसाब रख लो, शुड नॉट बी एफ्लिक्टेड बाय एनी शत्रु दृष्टि, और बाय मेलेफिक, नैसर्गिक मेलेफिक प्लैनेट्स, और शुड नॉट ऑक्यूपाई हाउस नंबर 6, 8, 12। सिंपल। ये रहा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, अभी ही चारों के साथ अगर यही चार, मैं चौथा पॉइंट में ये नहीं लिख रही हूं, मैं ये ऐसे ही समझा देते हूँ। मास लग्नेश, वर्षेश, मास मुंथेश और वर्ष लग्नेश, यही चार प्लैनेट अगर आपके 6, 8, 12 में होते हैं, यहाँ तो कहीं पर भी पड़े हैं, मास मास प्रवेश चार्ट कहीं पर भी पड़े हैं, ठीक है, और 6, 8, 12 के लॉर्ड के साथ पड़े हुए हैं, तो आपका ये मंथ बहुत ही दिक्कत परेशानियों में, बीमारियों में जूझेगा। कोई भी प्रकार का काम करना चाहेंगे नया, सफल नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोई भी बड़ा काम हम उस महीने करेंगे ही नहीं। कोई इनॉग्रेशन रखना हो तो हम नहीं करेंगे, किसी ऑपरेशन के लिए जाना हो तो हम वो नहीं करेंगे। जैसे अभी ही हमारे ही फैमिली में दूर के 2 मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए, तो उनका मास प्रवेश देख करके हमने बताया कि अभी नहीं, हम नेक्स्ट मंथ उसको करते हैं प्लान, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग भी ऐसी चीजों में देखो कि ज्योतिष का कौन सा सिस्टम कहाँ पर बेस्ट लगेगा, उसको लगा लो। जैसे सप्तशलाका चक्र बीमारी में देखना चाहिए, बहुत बुरे समय में देखना चाहिए, त्रिपता की चक्र है, अलग अलग वर्ग चार्ट है, आपका अष्टक वर्ग गोचर में कैसे लगाना, तो जो जैसा मेथड है उसको कहाँ बेस्ट काम करेगा उसको समझना चाहिए और उसको लगाना चाहिए। केपी आता है, केपी से भी, केपी कुछ भी नहीं है, ज्योतिष जो हमारी माता है उसमें से एक और गागर भरी हुई है जिसमें सिर्फ नक्षत्र ले लिए गए हैं और उनका डीप का स्टडी अलग से निकाल दिया गया है, तो उसको नाम केपी दे दिया गया है, तब कुछ वही है, एक ही चीज है। तो हर किसी चीज का नॉलेज रखना चाहिए वन बाय वन, ऐसे नहीं कि सब सब करते जाएं, पीछे छूटते जाएं, प्रैक्टिस कुछ भी नहीं हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चौथा नंबर पॉइंट, अगर यही सारे के सारे, इफ दीज ऑल 4 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स ऑफ मास प्रवेश चार्ट ऑक्यूपाई केंद्र भाव, then this month
then the month is going to be very successful. ठीक है, वेरी सक्सेसफुल. अगर यही चारों के प्लैनेट, चारों के चारों प्लैनेट आपके केंद्र भाव में हो. एक और है, और स्ट्रॉन्ग इन पंचवर्गीय बल, तो आपको इस महीने प्रोग्रेस और खुशियां ही खुशियां रहेंगी. तो आप जो भी काम करेंगे सफलता उसमें प्राप्त होगी. जो भी काम, नया जॉब का इंटरव्यू, बीसी डालनी है बड़ी सी, कुछ भी एक्स वाई जेड काम, आपके बिजनेस से जुड़े हुए, पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए, हेल्थ से जुड़े हुए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह से किसी डॉक्टर के पास जाना हो, तो ऐसे में आप ये समय बिंदास ले सकते हैं, है ना? बहुत सिंपल और अच्छा तरीका है. तो क्या हमें हमारे घर वालों का हर महीने कम से कम मास प्रवेश देखते रहना चाहिए? बिल्कुल. साल का हर किसी का चार्ट देख के रख लेना चाहिए वैसे भी, है ना? हम 2 मिनट में आते हैं, आप लोग तब तक डिस्कस कर सकते हो एक दूसरे से बात करके, सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में. मैं 2 मिनट में आती हूँ. तो गाइस, आप लोग कुछ डिस्कस तो करे नहीं, ग्रुप में भी करते नहीं हो. चलो स्टार्ट करते हैं फिर से. ठीक है, तो चौथा पॉइंट था कि यही सारे जो चार प्लैनेट्स हैं इम्पोर्टेंट वाले, ये चारों प्लैनेट्स मास प्रवेश चार्ट के
केंद्र में रहेंगे और पंचवर्गीय बल में स्ट्रांग रहेंगे तो समझना कि मास प्रवेश कुंडली आपकी अच्छी है। पॉइंट नंबर फाइव, और अगर सिर्फ प्रॉफिट के लिए और बिजनेस रिगार्डिंग देखना हो, प्रॉफिट्स बिजनेस सक्सेस के रिगार्डिंग अगर देखना हो तो मास लग्नेश किसी भी केंद्र भाव में होगा। सिर्फ इतना भी देख लोगे ना तो न्यू जॉब के रिगार्डिंग, न्यू बिजनेस के रिगार्डिंग, कहीं से पैसा आना होगा तो इस सब चीजों में सक्सेस मिलेगी। तो सिर्फ मास लग्नेश का किसी भी केंद्र में होना और पंचवर्गीय बल में बलवान होना, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। ठीक है, पॉइंट नंबर सिक्स, मून should not occupy eighth house. आठवां भाव सबसे खराब है चंद्रमा के लिए। आठवें भाव में मास प्रवेश चार्ट में चंद्रमा नहीं होना चाहिए। इसमें बीमारियां, भय, भय मतलब बहुत घबराहट वाला भय, और कोई भी उभर के आ जाए दुश्मन आपका ये महीने में, मान लो जो आपको कब से तंग कर रहे हैं उसमें से ही कोई उभर के आ जाए आपके पास आपको तंग करने के लिए, तो चंद्रमा मतलब मान लो ये सारे प्लैनेट अच्छे बैठे हैं, सब अच्छे बैठे हैं केंद्र में, मगर सिर्फ चंद्रमा आपका अगर आठवें में चला गया है तो कोई लॉस वगैरह नहीं होगा, काम वगैरह सब करेंगे लेकिन सब कुछ आप घबराहट के साथ करेंगे, और आपका चंद्रमा तो एक्टिव रहेगा ही अगर आठवें भाव में है तो उस हिसाब से काम करेगा ही, सक्सेस भी मिलेगी मगर कोई ना कोई दुश्मन भी उभर के आ जाएगा। ठीक है, तो मून का पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मून्स पोजीशन is most important, I would say. It's most important in Dina Pravesh or Mas Pravesh chart. Dina Pravesh ka same yahi prediction hai. ठीक है, तो मैं एक ही बार में आपको बता रही हूँ अलग अलग से नहीं, तो इसी तरह से दिन प्रवेश भी आप लोगों को दिन प्रवेश की कुंडली और दिन प्रवेश का जो लग्नेश होगा वो उसको आपको इम्पोर्टेंस उसको देनी है मेन। ठीक है, अभी सेवेंथ मास लग्नेश केंद्र में हुआ तो अच्छा तो होगा, वो बताया। अभी मास लग्नेश उच्च का हुआ, स्वग्रही बैठा,
मान लो मास लग्नेश आपका सूर्य है, एक नंबर राशि में बैठता है या तो पांच नंबर राशि में बैठता है, तो भी चीजें आपके फेवर में होंगी, सब जो भी काम आप चाहेंगे अच्छा होगा। इसी तरह से आठवां पॉइंट, मून भी उच्च का होता है, दो में हुआ, चार में हुआ, स्वग्रही हुआ, मास चार्ट में, तो जो भी कार्य करेंगे सिद्ध जरूर होंगे। तो मून और मास लग्नेश भी सिर्फ बहुत अच्छे हों तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप सब स्क्रीनशॉट ले लो या लिख रहे हैं तो अच्छी बात है ना, रिकॉर्डिंग तो है ही, नोट्स भी इसके देंगे, मगर फिर भी है ना। तो अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं, आगे के भी पॉइंट्स बताने हैं, जगह इतनी ही है। थोड़ा ब्राइट कलर होता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। पॉइंट नंबर 9, आपका ऑक्यूपेशन का भाव कौन सा है, कर्म का भाव कौन सा है, भाव नंबर 10। अभी दसवें भाव में चर राशि हो, चर राशि कार्डिनल मूवेबल ये एक ही नाम है, ठीक है। अगर चर राशि हो दसवें भाव में, या फिर टेंथ लॉर्ड मास प्रवेश या दिन प्रवेश में चर राशि में बैठा है, हाँ, तो ट्रांसफर ऑफ जॉब, किसी भी प्रकार का जॉब बदलेगा, अभी बदल जाएगा और सफलता होगी कि नहीं वो तो एक से लेके आठ तक जो पॉइंट बताया उसको देखना पड़ेगा, बदलने के बाद सफलता होगी कि नहीं, लेकिन बदलाव जरूर आएगा आपके काम में या तो बिजनेस में। पॉइंट नंबर 10, एक और ये पॉइंट नंबर 10 कॉमन सेंस पॉइंट है, कितना कॉमन सेंस आपके पास है। जैसे हम लग्न चार्ट में कैसे देखा करते थे, नाइन्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड के साथ लग्नेश हो, या फिर सेकंड लॉर्ड के साथ लग्नेश हो, या तो फिर चतुर्थ के साथ लग्नेश हो या पंचम के साथ लग्नेश हो, तो ये बहुत अच्छे योग बनते हैं, धन योग, भाग्य योग, बहुत बढ़िया योग बनते हैं। तो वैसा ही कहीं पे मास प्रवेश चार्ट में कॉमन सेंस पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा ही कहीं मास प्रवेश चार्ट में योग दिखे, नौवें का स्वामी लग्नेश के साथ, दूसरे भाव का स्वामी लग्नेश के साथ, तो पैसा आना, भाग्य अच्छा बनना है ना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। चौथे का स्वामी लग्नेश के साथ, पांचवें का स्वामी लग्नेश के साथ, या आपस में दृष्टि का संबंध, तो ऐसे में बाकी आपको ये जो योग दिखेंगे, प्लैनेट्स का युति के जो योग दिखेंगे, ये योग आपको और हेल्प करेंगे प्रेडिक्शन करने। तो ये जो 10 पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप समझो बार बार, ठीक है। ये 10 पॉइंट्स यहीं पर समाप्त हो।
अभी हम आगे बढ़ेंगे।